पलामू के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र में मेदनी नगर पांकी मुख्य पथ पर स्थित कुंदरी तालाब एक बार फिर विवादों के घेरे में है। प्रशासन की ओर से भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर तालाब को भरने की तैयारी की जा रही है। लेस्लीगंज थाने में पुलिस बल के जवानों को एकत्र किया जा रहा है। वहीं इसकी भनक लगते सैकड़ों ग्रामीण भी तालाब को नहीं भरने देने की मांग को लेकर तालाब पर पहुंच गए हैं। विरोध करने वाले ग्रामीणों में काफ़ी संख्या में महिलाएं भी हैं। इससे पहले भी तालाब को प्रशासन के द्वारा भरने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों के विरोध के बाद खाली हाथ लौटना पड़ा था। और आज पुनः काफ़ी संख्या में पुलिस बल के साथ कोशिश की सूचना पाते ही ग्रामीणों ने भी अपनी तरफ से विरोध का स्वर बुलंद कर लिया है। किसी भी कीमत पर ग्रामीण तालाब को जीवित रखने की मांग पर अड़े हैं। छठ व्रत करने वाली महिलाएं भी आस्था से जोड़कर तालाब को देख रही हैं। पूरे मामले में क्या कुछ होता है, इस पर हमारी पैनी नजर है। पल पल की अपडेट के लिए कैपिटल न्यूज के साथ जुड़े रहिए। यही छठ घाट में छठ किए हैं। 19 तारीख और 20 तारीख को यही छठ घाट में हम लोग अर्घ दिए हैं और हम लोग सब दिन से यही छठ करते आ रहे हैं और सब दिन से ही छठ करते आ रहे हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि छठ घाट को घेराबंदी करना है। हम लोग छठ घाट को घेराबंदी नहीं करने देंगे। आप लोग ये तालाब के लिए तालाब घेरा करने नहीं देंगे हैं, चाहे हम लोग के जो भी करना पड़े हैं। और जिसको आना है वो सामने आए। जब 10 बजे के टाइम देते हैं तब 12 बजे सामने क्यों नहीं आते हैं? उन लोग मुँह चुरा के क्यों रहते हैं? मिजाज बेशक ही आज बूंदाबांदी है, पारा पलामू का बेशक गिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुंदरी तालाब पर लोगों में आक्रोश है और लोगों में पारा चढ़ा हुआ है। इस टाइम हम आए कुंदरी छठ घाट तालाब पर और हमारे साथ यहाँ पर सैकड़ों ग्रामीण जनता है। आइए जानते हैं निश्चय मायदा है क्या क्या मामला है मुखिया जी। ये कुंदरी ग्राम का कुंदरी छठ घाट तालाब है। इसमें यह तालाब 200 वर्ष पुराना तालाब बताया जाता है और इधर अगल बगल के 5-7 गांव राजोगाड़ी, मिसरडी, कुंदरी, मुरुबार, कमलकड़िया, चटकपुर आदि गांव के लोग छठ घाट पर छठ व्रत करते हैं। गर्मी के सीजन में मवेशी के पानी पीने का काम आता है, सिंचाई के काम में आता है। यह तालाब जलकवार तालाब है, इसमें सभी दिन पानी रहता है। इसको बारी मुखिया रामाशीष सिंह, उनके भाई जितेंद्र सिंह, भोला सिंह वगैरह बा जबरदस्ती इसको कब्जा करके घेराबंदी करा करके बेचने का प्रयास कर रहे हैं। किसका आदेश से घेराबंदी हो रहा है? एसडीओ सदर के आदेश से यह घेराबंदी हो रहा है, जो गलत है। जबकि सभी लोगों का कहना है कि अगर मरूसी जमीन में भी किसी का तालाब होता है तो उस तालाब का ना तो घेराबंदी होगा, ना ही नेचर बदला जा सकता है। और ये बाबू कपिलनाथ सिंह 200 वर्ष पहले यहाँ के ग्रामीण जनता के श्रमदान से इस तालाब को खुदवाए थे। उनकी भावना को ठेस पहुँचाया जा रहा है। उनके आवश्यकता का यह तालाब जो है, जीवन मरण का जो तालाब है, एसडीओ साहब के द्वारा जनता के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। आपका और इतिहास जानने के लिए हमारे साथ इसी ग्राम के कुंदरी के बसंत वर्मा जी, उनसे जानते हैं कि कुंदरी तालाब का इतिहास क्या रहा है। इस कुंदरी तालाब का इतिहास क्या है और कब से यहाँ छठ पूजा होता है? करीब 200 वर्षों से तालाब, 200 वर्षों से तालाब जो है कपिलनाथ सिंह के द्वारा जो है सो इस तालाब का निर्माण कराया गया है। कुंडी के ग्रामीण जनता इसमें सहयोग दे करके जो है सो अपना कोट खान करके तालाब बनाए हुए हैं। और इस छठ घाट पर इलाका के आपको कमकड़िया, लोटवा, राजोगाड़ी, कमलकड़िया, फुटहड़वा, पिपराहट के लोग और पुराण पत्रा के जहाँ के अभी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता भी कल बोल रहे थे कि जब हम बचपन में गाय चराते थे तो इस घाट पर हम लोग जो है तो माल मवेशी का पानी पिलाते थे और हम लोग भी छठ व्रत करते थे। कुछ दिन पहले कुंदरी तालाब में
सूर्य मंदिर का निर्माण कराने के लिए भी काम जोरों पर था। हमारे साथ ये अर्जुन महतो जी हैं, इनके देखरेख में मंदिर भूमि पूजन किया गया था। जानते हैं कैसे अब बनेगा सूर्य मंदिर? अर्जुन सर, आपके द्वारा यहाँ पर पूजा पाठ करा करके मंदिर निर्माण का भी बात चल रहा था, कैसे हालत में कैसे मंदिर का निर्माण होगा? पीछे जब जितेंद्र सिंह आए हुए थे तालाब पर अपना रूम बनाने के लिए ना, हम गांव वाले आए थे और उसका कड़ा विरोध किया था। उनके सामने ही वह तालाब में सारे ईंटें हम डलवा दिए थे। फिर उनसे बातचीत हुई, बातचीत में जितेंद्र सिंह को कहा कि बाबू, सूर्यनाथ सिंह की करोड़ों की संपत्ति आपको मिली है, लेकिन सूर्यनाथ सिंह के इतिहास के लिए आपने क्या किया? जिसके औलाद होते हैं उसके इतिहास होते हैं, और जिसके औलाद नहीं होते उसके अच्छे और बुरे कार्य ही उसके इतिहास होते हैं। तो आखिर सूर्यनाथ सिंह की इतनी संपत्ति लेने के बाद आपने क्या किया? इसलिए आज आप घोषणा कीजिए कि बाबू सूर्यनाथ सिंह के नाम पर सूर्य मंदिर का निर्माण किया जाए। घोषणा क्यों बोर्ड लगा हुआ है? और घोषणा वो बोले कि हम घर जाकर कहेंगे, फिर हमारे वर्तमान विधायक होंगे और उन्होंने घोषणा किया। इसके बाद सूर्य मंदिर के निर्माण की शिलान्यास भी किया गया, कुछ काम आगे बढ़ा था, लेकिन कुछ तकनीकी का कारण अभी तक वह सूर्य निर्माण का कार्य फिर पुनः प्रारंभ नहीं हुआ है। लेकिन फिर गांव जगह है और जो विरोधी थे सूर्य मंदिर बनाने के लिए, वह अभी एक साथ हम हो चुके हैं। इसलिए सूर्य मंदिर का निर्माण फिर शुरू होगा और ये प्रगति पर रहेगा। ये तालाब जो है पुराने सर्वे यानी आज़ादी के पहले का यह सर्वे का तालाब है, जो कि पुराने नक्शे में भी मौजूद है और नए सर्वे में भी यह तालाब दिखाया गया है। साथ साथ जो पीड़ होता है वह सरकार की हो जाती है। पहले यह बिहार सरकार की थी, अभी यह नए अभी जो सर्वे में जो हम लोग ने देखा है खतियान में, वह झारखंड सरकार कर दिया है। और जमीन जो पानी का जमीन जो है वह जमीन बाबू कमला सिंह 16 अंश, कमख्या तीनों भाई का 5-5 अंश 15 और 1 अंश उनकी माँ का, यानी जमीन भी उनके औरिशान उनके खानदानों के नाम पर है। या तालाब और जमीन पर नए सर्वे में वह जितेंद्र सिंह वगैरह का कहीं कोई नाम नहीं है।